की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था इस बैठक का। वहीं अलग अलग राज्यों में हो रहे और होने वाले विधानसभा के चुनाव भी एक चर्चा का विषय थे। झारखंड में भी आने वाले दिनों में चुनाव हो रहा है, हरियाणा में नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, जम्मू कश्मीर में नोटिफिकेशन आ चुका है। और आज क्योंकि इस बैठक में हर राज्य के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे, तो ये सुझाव प्रदेश कार्यकारिणी से लिया गया है, प्रदेश की इकाई से लिया गया है कि कौन अपने अपने राज्यों में किस भूमिका में चुनाव लड़ना चाहता है। भूमिका से मेरा तात्पर्य यह है कि गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ना, और या फिर ऐसे राज्य जहां पे हम लोग का संगठन पहले से बहुत ज्यादा मजबूत है वहां पर अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास स्वतंत्र है। की शुरुआत की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, पर यह प्रक्रिया वही है। तो पिछली बार 2019 के नवंबर में हमारा चुनाव हुआ था, इस नवंबर तक दोबारा चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करना था, पर क्योंकि आने वाले दिनों में कई और राज्यों में चुनाव है और संभवतः उसकी व्यस्तता ज्यादा होगी, झारखंड में भी चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में हम लोगों ने इस प्रक्रिया को पूरा किया और आज पुनः हमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा चुना गया। इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोगों ने इस बैठक को रखा भी था। हमारे कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ पे मौजूद थे। इस कार्यकारिणी की बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर था। हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए 5 साल हो गए थे और ये प्रक्रिया का हिस्सा है। चुनाव आयोग में ये हर 5 साल के बाद चुनाव की इस प्रक्रिया को हम लोग को दर्ज कराना होता है। पार्टी के संविधान के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद 5 साल के लिए होता है। पिछली बार 2019 पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी की मौजूदगी में पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। बहरहाल उसके बाद पार्टी ने कई तरीके के उतार चढ़ाव देखे, आप लोगों की जानकारी में है ही वो तमाम विषय। पार्टी परिवार में एक टूट हुई, चुनाव लड़ा था और वहां पर आज की तारीख में हमारे 2 विधायक और हाल फिलहाल के दिनों में लोकल बॉडी के इलेक्शन थे तो 2 काउंसलर वहां पर हमारे जीते। ऐसे में प्रदेश से जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर प्रदेश से भी ये सुझाव मांगा गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हम लोग का गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से NDA का हम लोग हिस्सा है, पर वो राष्ट्रीय चुनाव की बात है, लोकसभा के चुनाव की बात है। काहे बगाहे अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में पार्टी ने गठबंधन किए हैं। इसके पूर्व भी 2014 में झारखंड में ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोगों का गठबंधन हुआ था और एक सीट गठबंधन के तहत हम लोगों को दी गई थी, शिकारीपारा की एक सीट जिसमें हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। बहरहाल इस बार ये स्वतंत्रता पूरी तरीके से राज्य इकाई को दी गई है। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।